तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी थ्रोन विथ सेम वेलोसिटी यू एट टू डिफरेंट एंगल्स विथ हॉरिजॉन्टल अटेंड द सेम रेंज। यहाँ लिखा हुआ है अटेंड सेम रेंज। अगर सेम रेंज है तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? अगर एक एंगल मेरा थीटा है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इस टेन में भी इनिशियल वेलोसिटी यू है, इस केस में भी इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो यहाँ पर रेंज जो आर होने वाली, यहाँ पर भी रेंज क्या होगी? आर ही होगी। यही हमारा सीन था। If A and B reaches the maximum height h1 and h2 respectively, then R is equal to 4√h1h2। ये क्लास में करवा रखा ना, कैसे करवाया था बेटा अपन ने? इस केस में हाइट कितना है? h1 है, और इस केस में हाइट कितना है? h2 है। ठीक है, तो रेंज तो भली आप थीटा लो या 90 माइनस थीटा लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रेंज कितना आएगा दोनों केस में? यू स्क्वायर साइन 2θ डिवाइड बाई जी। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, हाइट h1 कितना हो जाएगा भाई? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, और h2 हाइट कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2g। साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा आपका कॉस थीटा, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से इरेज करके कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ। अब मुझे फिजिक्स में अगर दो तीन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन चाहिए होता है तो मैं क्या करता हूँ? या तो उनको मल्टीप्लाई करता हूँ या फिर उनको डिवाइड करता हूँ। अगर मैं h1 और h2 को डिवाइड कर दूंगा, ध्यान सुनो, अगर मैं देखो r इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है r इज इक्वल टू 4√h1h2, यानी h1 h2 को मल्टीप्लाई ही करना है, सोचने की कोई बात नहीं है। तो बस यही करो आप, डायरेक्ट उसमें लिखा हुआ है तो h1 और h2 को मल्टीप्लाई कीजिए आप, है ना, क्या कुछ मिलता है देखते हैं। h1 h2 को मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हो जाएगा u स्क्वायर का पावर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4g स्क्वायर। मुझे इसको रेंज के अंदर एडजस्ट करना है, तो रेंज क्या है मेरा? 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई जी। ध्यान से देखना आप, ध्यान से देखिएगा, u स्क्वायर तो बेटा यह u स्क्वायर का स्क्वायर है, तो मैंने लिख दिया इसको u स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर है, कोस थीटा का स्क्वायर है, यानी ये लिखा मैंने साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वायर है, तो यहाँ मैंने लिख दिया इसको जी। क्या मैं इस कंप्लीट वाले का स्क्वायर कर दूँ? कोई दिक्कत नहीं, ये एक 4 जो है हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हमने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये टर्म एज इट इज ये बन गया। मगर मुझे रेंज चाहिए बेटा, रेंज क्या होता है? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पर इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे इसी को 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मगर ये 2 का क्या है? स्क्वायर है, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया इसको? 4 से, तो 4 से ही डिवाइड करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये क्या आ जाएगा मेरा? h1 into h2। ये पूरा टर्म क्या बन गया मेरा? r, तो वो हो गया r का स्क्वायर। 4 into 4 कितना हो जाएगा? 16। यानी यहाँ से मुझे देखने को मिला है कि जो h1 डिवाइड बाई h1 h2 है वो है 1 डिवाइड बाई 16 r स्क्वायर, है कि नहीं है? 16 को इधर लेके आ जाओ तो r स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 h1 h2। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 का रूट 4 और h1 इंटू h2। तो क्या ये तो सही है ना भैया? यानी असर्शन तो कैसा है आपका? करेक्ट है। तो रीजन प्रोडक्ट ऑफ सेड हाइट्स h1 h2 इज इक्वल टू दिस वन। तो बेटा यही तो किया हमने, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, यही आपका क्या है? रीजन है। तो भैया असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है।